नवरात्रों का वक्त चल रहा है पहला नवरात्रा आज है और इस पर एक सबसे बड़ा सवाल जो है लोगों के मन में ये आता है कि मूर्ति बनाते वक्त ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिस मिट्टी से माँ का मेकअप किया जाता है ऐसा मेकअप जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल माँ दुर्गा माँ हमारे बिल्कुल सामने है ऐसा रूप जिसे आप घरों में ले जाते हैं ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से वो मूर्तियों को आप ले जाते हैं यहाँ पे कारीगर है आकाश अधिकारी हैं जो यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या खासियत होती है ऐसी कौन सी मिट्टी होती है यहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद इनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो माँ के मुँह की मिट्टी होती है वो गंगा से लाई जाती है क्योंकि वो फटती नहीं है ब्लैक सोइल होती है ठीक है बाकी जो दूसरी नेचुरल मिट्टी होती है जो यहाँ की मिट्टी है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं ज़्यादा इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते माँ के लिए हम गंगा की मिट्टी यूज़ करते हैं ताकि उसमें क्रैक ना आए आकाश जी और कहीं से भी यूज़ की जा सकती है मिट्टी कि सिर्फ़ गंगा की ही मिट्टी को यूज़ किया जा सकता है और स्पेशली गंगा उत्तराखंड से लेते हुए होते हुए आगे तक जाती है तो किस जगह की मिट्टी होती है जिसको यूज़ किया जा सकता है ये हमारे मतलब जैसे हमारे वहाँ पे कलकत्ता में जो गंगा है वहाँ से हम जब हमारे साथ हमारे यहाँ के लेबर आते हैं तो वो अपने साथ लेके आते हैं कुछ मिट्टी अपने साथ कुछ मतलब अपने साथ बोरी मतलब दस किलो वगैरह अपने साथ ले आते हैं ताकि उससे हम अपना मुँह बना सकें तो वहाँ पे वो कुछ मिलाते भी हैं उसके अंदर जिससे क्रैक ना है ऐसे आ, जिस तरह से बताया गया कि आकाश जी ने बताया क्रैक ना है आप सामने देख सकते हैं ये माता की मूर्ति बनाई गई है और इसमें आप देख सकते हैं फेस किस तरह से डिजाइन किया गया है ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई जीवित जो फेस है वो यहाँ पे तैयार किया गया है लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है ये भी बनाना अभी चालू किया हुआ है इसका सिर्फ बेस बेस तैयार है उसके बाद मिट्टी इसे लेपन किया गया अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होनी है कलर्स लगने हैं और इसके बाद कपड़े वगैरह इसमें यूज़ किए जाएंगे उसके बाद जो इसकी निखार है जो इसका वो देखने को और मिलेगा अधिकारी जी के पास दोबारा से चलते हैं अधिकारी जी क्या कहना चाहेंगे कि कोविड के बाद से थोड़ा मूर्तियों की जो सेल है उसमें गिरावट आई है या दो आ, दूसरा साल लमसम लगने को हो गया है किस तरह की पहले था और किस तरह का अब जो स्थिति है पिछले बार 2020 में तो बहुत बुरा हाल था 100 परसेंट अगर काम है तो 50 परसेंट हुआ था पिछली बार इस बार थोड़ा उससे थोड़ा ठीक है इस बार सेवेंटी है धीरे धीरे करके खुल रहा है लोग कर रहे हैं परमिशनें मिल रही है हर चीज़ की हो रहा है काम तो, तो आ, बात हम मिट्टी पे कर रहे थे तो मिट्टी को इतनी दूर से लाना किस तरह से संभव है आज यहाँ पे जितना हम रेलवे के थ्रू ला सकते हैं वो तो ले आते हैं बाकी जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं थोड़ा बहुत ही लगता है मुँह के लिए ज़्यादा नहीं लगता कि ज़्यादा ही लेके आए जितना लगता है उतना ले आते हैं तो कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती होगी क्या नहीं, को? नहीं इतना कोई कॉस्टली नहीं है बस वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा पड़ता है मिट्टी का ज़्यादा नहीं पड़ता बस जैसा कि अधिकारी जी ने बताया कि किस तरह से वो एक स्पेशल मिट्टी है जिससे गंगा की मिट्टी जिसका उपयोग करके माँ का मेकअप किया जाता है यानी कि माँ का चेहरा है जो वो बनाया जाता है और ऐसा चेहरा जिस मूर्ति को आप घर पर ले जाते हैं और उसके बाद वो मूर्ति ऐसे प्रतीत होती है मेकअप लगाने के बाद कपड़े पहनाने के बाद वो मूर्ति साक्षात ऐसा लगता है कि देवी लक्ष्मी माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान है ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और आइकन दबाना ना भूलें